नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका जिम्मेदारी जो है, अगर कहीं आप जा रहे हैं किसी भी प्लांट में एक सेफ्टी ऑफिसर के रूप में, या कहीं प्लांट में या किसी कंपनी में, तो आपकी एक प्रायोरिटी ये भी रहती है कि आप लोगों को इंडक्ट करें, मतलब जो भी लोग इंटर कर रहे हैं हमारे प्लांट के अंदर, तो उनको अवेयर कराने के लिए हम इंडक्शन करते हैं, जिसको HSE इंडक्शन करते हैं बोलते हैं। तो HSE इंडक्शन में कौन कौन सा टॉपिक आपको बोलना होगा, क्या क्या बताना होगा? वैसे तो बहुत सारा इंडक्शन टाइप का होता है, जैसे डिजिटल इंडक्शन हो गया, जो परमानेंट एम्प्लॉय है उनको इंडक्शन हो गया, जो कॉन्ट्रेक्टर के लोग आ रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइम के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए, उनको इंडक्शन, अलग अलग तरीका का होता है। लेकिन हम बात करेंगे ये HSE इंडक्शन जो करेंगे वो ओवरऑल एक इस टॉपिक, मतलब ना कि इस वीडियो में आपको ओवरऑल कवर करेंगे किस तरह से डिजिटल को देना है, कौन सा टॉपिक आपको इसको कॉन्ट्रेक्टर जो लोग परमानेंट आ रहे हैं उसको देना है ना, हम सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा आपका। और हम आपको एक छोटा सा क्लिप ये भी दिखा देंगे कि स्क्रीनिंग कैसे होता है, मतलब कि आप हम लोग क्या करते हैं ना, ये वीडियो दिखाते हैं है ना, कुछ टॉपिक्स पे लोगों को प्लांट के बारे में अगर वीडियो के माध्यम से लेकर आते हैं, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पहला टॉपिक मैं लिख लिया हूँ, इसीलिए आपको ये मत कमेंट करिएगा कॉपी से बता रहे, क्या ना कि लंबा थोड़ा टॉपिक रहता है उसमें छोटा छोटा तो ध्यान नहीं रहता, तो एक मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले क्या करना है कि जिस भी कंपनी में जा रहे हैं आपको उसका पॉलिसी मालूम होना चाहिए। पॉलिसी बोले तो जैसे मान लो कि आप कोको कोला में हो, तो कोको कोला की जैसी पॉलिसी कुछ होती है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला आपका टॉपिक रहेगा कंपनी HSE पॉलिसी, ओके। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लोगों को उस कंपनी का पॉलिसी के बारे में अवेयर कराना होगा, सही है ना, ओके। नंबर सेकंड रहता है इंडक्शन में, ये इंडक्शन टॉपिक जो भी, जब भी आप इंडक्शन देने जाएंगे तो ये टॉपिक आपको बताना जरूरी रहता है। फिर दूसरा रहेगा हमारा बेसिक साइट इंडक्शन, मतलब कि बेसिक साइट इंडक्शन मतलब ये है कि साइट पे कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, किस जगह पे कौन सा प्लांट है, वहां पर क्या खतरा है, किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से पेडेस्ट्रियन है, आने जाने का पाथवे, सारा आप साइट इंडक्शन में उसको समझाएंगे, ओके। फिर अगर किसी तरह का रेस्क्यू करना हो या किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो किस तरह से रेस्क्यू करना है, कहाँ पे जाना है, वो भी आपको बताना काम होता है इसी में साइट इंडक्शन में। तीसरा आपको बता दूं कि तीसरा हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली पॉइंट, मतलब ये हर प्लांट में कहीं भी जाइएगा किसी प्लांट में एक असेंबली पॉइंट होता है, एक या दो अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग असेंबली पॉइंट होता है, आपको क्या बताना होगा असेंबली पॉइंट के बारे में भी बताना होगा कि किसी भी तरह का मान लो इमरजेंसी हो जाती है तो लोगों को एक सेफ जगह तो होना चाहिए कि जहां पे आदमी आगे गैदर हो सके, इकट्ठा हो सके, किसी तरह का प्लांट इमरजेंसी हो जाती है, तो आपको ये भी इंडिकेट लोगों को समझाना होगा कि इस लोकेशन के लिए यहाँ पे असेंबली पॉइंट है, ओके, तो ये भी अवेयर कराना होगा, ठीक है। फिर अगर बात करें सेफ्टी शावर असेंबली पॉइंट और एंड सेफ्टी शावर मतलब मान लो किसी भी तरह का किसी को केमिकल वाला प्लांट में काम कर रहा है, ओके, केमिकल वाला प्लांट में काम कर रहा है, किसी के हाथ में केमिकल चला गया, शरीर पे केमिकल चला गया, तो डायरेक्ट असेंबली पॉइंट उधर नहीं जाएगा ना, वो सेफ्टी शावर उसको भी अवेयर कराना है कि लोकेशन के लिए यहाँ पे सेफ्टी शावर है, आप अपने शरीर को धो सकते हो, आप में पानी डाल सकते हो, एक प्रिकॉशन, मतलब एक सेफ्टी शावर हर जगह जगह इंस्टॉल रहता है, तो ये भी आपको अवेयर कराना है, ठीक है। और बता दो आपको ये भी बताना है किसी भी तरह का इमरजेंसी हो जाए वहाँ पे जो एम्बुलेंस सुविधा है कि नहीं है, कैसे है उसको, किसको इमरजेंसी में कॉन्टेक्ट करना, ये सारा भी आपको क्या करना, ब्रीफ में समझाना होता है HSE इंडक्शन के द्वारा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं अभी किसके लिए बता रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म लोग आ रहे हैं उसके लिए। फिर आपको बता दूं बेसिक PPEs के बारे में, PPEs बोले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है ना, बेसिक PPE मतलब बेसिक PPE का मतलब ये है कि नॉर्मल कोई भी जा रहा है अगर प्लांट में एंट्री कर रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, बिना PPEs के लोग एंट्री नहीं कर सकते, ये HSE गाइडलाइन के तहत
किसी भी प्लांट के अंदर आप बिना पीपीई के एंट्री नहीं कर सकते। बेसिक पीपीई में क्या है, हमारा हेलमेट आएगा, हमारा सेफ्टी शू आएगा और रिफ्लेक्टिव जैकेट आएगा। ओके, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट, सेफ्टी शू और हेलमेट, ये तीन चीजें जो मैंडेटरी होती है हर प्लांट का, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे सेफ्टी गाइडलाइन है। ओके, तो ये चीज भी आपको अवेयर करना है। ठीक है, आगे का बता दूं आपको कि पीपीई के बाद ब्रीफ ऑफ कंपनी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। मान लो कि आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो, अगर ये कंस्ट्रक्शन के लिए अभी बात कर रहा हूँ, ये वाला कि अगर कंस्ट्रक्शन में काम करो तो कंस्ट्रक्शन में कुछ गाइडलाइन होती है, उसको आप क्या करो उसको भी बता दो कि इस कंस्ट्रक्शन में गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्या क्या उसमें है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कंस्ट्रक्शन गाइडलाइन के तहत आप वायलेशन कर रहे हैं तो आपके पेनल्टी डाली जा सकती है, आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सारी चीजें उसमें ब्रीफ में समझानी होती है, जो भी आपका कार्य कंपनी का गाइडलाइन हो, ये चीजें आप अपने कंपनी का जो भी गाइडलाइन है पॉलिसी जो उसमें पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ओके, फिर आपको बता दूं कि एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर, मतलब ये है कि हर कंपनी में या रिफाइनरी में जाए या किसी भी फैक्ट्री में जाए तो कुछ होता है ना कि एक्सेस कंट्रोल होते हैं, तो एक्सेस कंट्रोल के लिए क्या होता है, सिक्योरिटी के पास वो एक्सेस कंट्रोल होता है, तो भी किस तरीका से एक्सेस करना, मतलब आना है अंदर, उसका कंट्रोल क्या है, किस तरीका से आना है, किस तरीका से जाना है, ये भी क्या करना होता है, बताना होता है लोगों को, मतलब कि एक्सेस एक्सेस कंट्रोल प्रोसीजर ये भी आपको समझाना है। ओके, समझ में आ रहा बात, आगे पढ़ा करो। नंबर सिक्स में है कि आपको बता दूं कि डेली वर्क परमिट प्रोसीजर के भी बारे में बताना है। ओके, डेली वर्क परमिट डेली वर्क परमिट प्रोसीजर के बारे में बताना है। सिक्स नंबर, मतलब वर्क परमिट प्रोसीजर क्या होता है, आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि एक परमिट सिस्टम होता है हर जगह, किसी भी प्लांट के अंदर अगर एचएससी पॉलिसी है, एचएससी पर्संस है, वहां पे सेफ्टी का नॉर्म्स है, तो बिना परमिट का कोई भी काम नहीं होता है, तो परमिट के भी आपको अवेयर करना है इंडक्शन में, ताकि उसको पता चले कि यहाँ पर परमिट सिस्टम अप्लाई है। नहीं बताइएगा तो उसको बाद में पता चलेगा तो बोलेगा कि नहीं बताया गया था हमें। ठीक है, तो ये भी क्वालिफिकेशन है, तो आपको एचएससी इंडक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम आगे पार्ट टू में बताएंगे, पार्ट वन था, पार्ट टू में अभी क्या है, टोटल हमारे पास 23-24 पॉइंट है, मैं बताऊंगा अभी कितना हुआ, 5-6 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।